हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे तीन तरह के लर्निंग पैटर्न्स। लर्निंग पैटर्न कौन कौन से होते हैं, बहुत सुना होगा हम लोगों ने। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देख के सब ज़्यादा जल्दी याद कर पाते हैं, कुछ लोग सुन के ज़्यादा जल्दी याद कर पाते हैं, कुछ लोग उसको करके जल्दी याद कर पाते हैं। और जब हम लोग इस वीडियो की बात करते हैं, ये दिस इज़ मोर फॉर टीचर्स और एंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स के लिए ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि एज ए पेरेंट और एज ए टीचर हम लोग क्या करते हैं, हम जो भी इंडिविजुअल है, जो भी स्टूडेंट है, जो बच्चा है, उसकी हम लोग लर्निंग एबिलिटीज़ को कहीं ना कहीं इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं उसको। जब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं, तो हमारी कुछ अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, इनिशियली कुछ प्रेफरेंस होती हैं हर किसी की। कुछ लोग होते हैं जो मूव करके जल्दी सीखते हैं, हाथ पैर हिला के जल्दी सीखते हैं, कुछ लोग सुन के जल्दी सीखते हैं, कुछ लोग देख के जल्दी सीखते हैं। ये है, ये इनिशियल प्रेफरेंसेस हैं। लेकिन मोर ओवर से जब हम लोग बात करते हैं, ऑन एन एवरेज ये तीनों के तीनों जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं वो हम सब में इक्वली होती हैं, मोर ओवर सो इक्वल होती हैं। लेकिन कुछ प्रेफरेंस होती है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में है, वो उसका परसेंटेज अगर हम देखेंगे तो बहुत ही नेग्लिजिबल जैसा है, वो बहुत स्मॉल है। अब हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए, हमें इन तीनों के तीनों लर्निंग्स का मिक्स एंड मैच करके, यूज़ करके, जब हमें अब जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर बच्चे हैं उनकी जो लर्निंग है, लर्निंग को हमें इम्प्रूव करना चाहिए, एनहेंस करना चाहिए। अब हम कैसे करेंगे, अभी जब हम देखते हैं विजुअल लर्निंग की बात करते हैं, विजुअल लर्नर्स वो होते हैं जो देख के सीखते हैं, उन लोगों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, चुपचाप बैठ के किसी कोने में जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करें वो पढ़ते रहते हैं, एक किताब, दो किताब, तीन किताब, उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ के जल्दी समझ पाते हैं, पिक्चर्स देख के जल्दी उनको याद होता है। कुछ लोग होते हैं जो सुन के जल्दी समझ पाते हैं, सुन के जल्दी समझने वाले कौन होते हैं, वो चाहते हैं कोई उनके लिए पढ़े, कोई किताब खोल के और पढ़ना शुरू करें और उनको याद होता चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं वो क्या करेंगे, वो ग्रुप में पढ़ाई करेंगे, ग्रुप डिस्कशन ज़्यादा करते हैं, एक फ्रेंड बोलेगा, दूसरा कलीग बोलेगा, तीसरा बोलेगा, तो वो धीरे धीरे उनके दिमाग में, मतलब वो सुनते रहेंगे और उनको याद होता चला जाएगा, वो जल्दी याद कर पाते हैं इस तरीके से। या फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने रूम में खड़े होकर वो इमेजिनरी टीचर बन जाते हैं, और कुछ ऐसे इनविजिबल स्टूडेंट्स होते हैं, इनविजिबल ऑडियंस होते हैं जो रियलिटी में नहीं है ना, लेकिन वो ऐसे लोगों को पढ़ाते हैं, वो टीचर का रोल प्ले करते करते वो पढ़ाना शुरू करते हैं। तो जब वो पढ़ाना शुरू करते हैं, ये कैनेस्थेटिक टाइप के होते हैं, मतलब वो दे आर लर्निंग बाय डूइंग, वो करते करते सीखते हैं, जितना ज़्यादा उनकी बॉडी में मूवमेंट होता रहेगा वो उतना उतना फटाफट सीखते चले जाते हैं। बट वी एज अ पेरेंट थिंक या वी एज अ टीचर थिंक, हमें लगता है कि क्रेजी हो गए हैं ये, है ना, दे हैव गॉन नट्स, इनको समझ नहीं, अकेले बैठे बैठे रूम में बोले जा रहे हैं, दे आर टॉकिंग, पता नहीं किसको पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड ये उनकी रिक्वायरमेंट है, ऐसे उनको जल्दी याद होता है, दे बिलोंग टू दिस थर्ड काइंड ऑफ कैटेगरी। जब हम लोग केसेस देखते हैं, जब हम ये देखेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन ने इसके ऊपर रिसर्च किया है, एंड इट इज़ सेड के जो मेजर जो लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, दे बिलोंग टू किनेस्थेटिक टाइप ऑफ लर्निंग, वो जो मूवमेंट जो है, फिजिकल मूवमेंट जिसमें बहुत होता है, हाथ पैर हिला के जब लोग सीखते हैं या करके जब लोग सीखते हैं, वो मेजरली किनेस्थेटिक टाइप के होते हैं। उसके बाद ऑडिटरी, एंड लास्ट एंड लीस्ट वन नंबर ऑफ पीपल आर फ्रॉम विजुअल वन। जब हम सीक्वेंस देखेंगे, सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जो किनेस्थेटिक टाइप से सीखते हैं, उससे थोड़े से कम ऑडियो वाले, और उससे भी सबसे कम जो हैं वो विजुअल वाले हैं। लेकिन जब हम लोग अपने फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की तरफ जाते हैं, जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरीके से हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझाते हैं, वो कैसा है, वो ज़्यादा फेवर करता है उन पर जो चुपचाप बैठ के पढ़ाई करते हैं, those who are visual learners, इनको हम ज़्यादा praise करते हैं, ज़्यादा reward करते हैं इनको, reward करने का तरीका है उनको A+ मिलेगा, या उनकी बहुत तारीफ करते हैं PTM में, parents teacher meet में। तो ये हम क्या करते हैं, हम लोग auditory जो visual जो learning है उसको हम लोग ज़्यादा reward करते हैं, हमारा formal education system उसको ज़्यादा praise करता है, उसको ज़्यादा हम लोग push करते हैं, हम चाहते हैं कि सब बच्चे वैसे हो जाएं, चुपचाप बैठ के पढ़ाई करें। नेक्स्ट इज़, जब हम auditory की बात करते हैं, auditory दे आर टॉलरेंट वंस, इनको हम लोग टॉलरेट करते हैं, दे आर नोन एज इरिटेंट्स, इनको इरिटेंट कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये बोलते रहते हैं, है ना, बोलेंगे और एक ही चीज़ को बार बार बोलेंगे, दोबारा एक्सप्लेन कीजिए, रीज़न बीइंग जितनी बार भी टीचर उसको एक्सप्लेन करेगा, जितनी बार भी पेरेंट उसको एक्सप्लेन करेंगे, या जो भी उनको पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, समझा रहा है किसी भी चीज़ को, जितनी बार वो एक्सप्लेन करेंगे उतना अच्छे से वो समझ पाते हैं, वो दे आर लर्निंग बाई हियरिंग, वो सुन सुन के कान के जो हियरिंग जो एबिलिटी है उसकी, उससे वो जल्दी सीखते हैं चीज़ों को। और लास्ट वन इज़ किनेस्थेटिक, जो बच्चे क्लास में एक जगह बैठ नहीं पाते, जो सारा टाइम उछल कूद करते हैं या फिर कोई चीज़ करके सीखते हैं, दे आर नोन एज प्रॉब्लम किड्स, इनको प्रॉब्लम किड्स कहा जाता है इन आर फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम,
है ना। अब इनको प्रॉब्लम किड्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक जगह बैठ के नहीं करते ये लोग कोई भी चीज़, है ना। और इनको हम लोग बहुत सारे सिंड्रोम्स में बोलते हैं। हाँ ऑफकोर्स आई अंडरस्टैंड कि ADHD या फिर हम हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम कहें, ये होते हैं, लेकिन हर कोई बच्चा उससे ग्रस्त नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको करके ही चीज़ें समझ में आती हैं। दे के नॉट सिट आइडल, दे के नॉट सिट एट वन प्लेस, वो रेस्टलेस हो जाते हैं एक टाइम के बाद, लगता है कि उठे और भागे बस, है ना। वो हमें ये समझना चाहिए कि उनको याद करने का तरीका, उनका लर्निंग का जो स्टाइल है वो किनेस्थेटिक टाइप का है, वो वही तरीका है, उनको वैसे ही काम करवाना चाहिए। अब हम जब आज की बात करें, जब हम आज से 2020 की बात करें, 2020 में जब हम देख रहे हैं जितने प्री स्कूलर्स हैं, किंडरगार्टन के स्टूडेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको जो पढ़ाने का तरीका चेंज हो गया है। चेंज कैसे हुआ, अब एक्टिविटी ज़्यादा करवाई जाती है इनको, है ना। एक्टिविटी करवाने का मतलब है डॉल दे दी, डॉल को आपको बेथ करवाना है, नहलाना है, उसको कपड़े पहनाने हैं। अब ये डॉल को नहलाना, कपड़े पहनाना और या फिर खाना खिलाना, है ना, ये सारी चीज़ें, ये एक्टिविटी किस तरह से काम करती हैं, स्टूडेंट्स लर्न ऑर्डर, है ना, ऑर्डर या सीक्वेंस समझते हैं वो, किस चीज़ का सीक्वेंस कैसे हो सकता है, है ना। हम कभी नहीं कर सकते पहले कॉम कर लें, शूज़ पहन लें फिर कपड़े पहने, है ना, पहले वो ड्रेस करेंगे उनको, दिन शूज़ पहनाएंगे, दिन कॉम करेंगे। तो इस तरीके से बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनकी वोकैबुलरी बढ़ती है। इससे वोकैब बढ़ने का मतलब दे अंडरस्टैंड ये फ्रॉक है, ये शर्ट है, ये पैंट है, ये शूज़ हैं, फुटवेयर्स में भी बहुत सारे अलग तरह के होते हैं, है ना। हेयर हैं तो कर्ली हेयर हैं, स्ट्रेट हेयर है, वी नीड टू डू पोनी या फिर उनको वैसे ही ठीक करना है, या बाल्ड है कोई, तो ये सारे इंक्रीज होती है उनकी, एंड दे आर लर्निंग बाय डूइंग इट। वो जब वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हर चीज को जब वो करते हैं, दे आर लर्निंग थ्रू दिस। सो पॉइंट इज, हमें हर किसी को ऐसा नहीं करना कि जो विजुअल है उसको भी किनेस्थेटिक पढ़ाएं, या ऑडिटरी टाइप का है उसको भी किनेस्थेटिक तरीके से या फिर विजुअल तरीके से पढ़ाएं, वैसा नहीं करना। हमें हर किसी को इन तीनों जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जितनी चीज़ें हमें उनको पढ़ानी है, सिखानी है, याद करवानी है, नई स्किल उनको बतानी है, तो इन तीनों चीज़ों को, तीनों ही लर्निंग जो मोड हैं, तीनों लर्निंग के जो तरीके हैं, इन तीनों का इस्तेमाल करके, मिक्स एंड मैच करके, जब बच्चों को कोई चीज़ नहीं सिखानी चाहिए, इससे वो जल्दी याद कर पाएंगे, जल्दी याद कर पाएंगे, और इससे हम जो बच्चों की रिक्वायरमेंट है, जो उनकी नीड है, डिमांड है, या फिर टाइम के अकॉर्डिंग जो उनकी जो से, अगर से मुझे 1 आवर में कोई चीज़ सिखानी है या फिर 1 मंथ में कोई चीज़ सिखानी है, अगर हम तीनों बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो हम जल्दी सिखा पाएंगे उनको, और बहुत इफ़ेक्टिव वे में सिखा पाएंगे, वो बहुत लंबे समय तक याद कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, एंड थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग।